दोस्तों आज हम करेंगे इन्फिनिक्स के न्यू लॉन्च स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 7 के अनबॉक्सिंग और देखते हैं दोस्तों क्या कुछ नए फीचर्स में इन्फिनिक्स नोट 7 में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं काकुटा एक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स के बैक की तरफ आपको बहुत सारे स्पेक्स मेंशन किए हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से ओपन। सबसे ऊपर दोस्तों में देखने को मिल जाता हमारा स्मार्टफोन, उसके बाद दोस्तों मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, सिम इजेक्टर टूल, फिर आता दोस्तों हमारा केस जो कि दोस्तों आई थिंक काफ़ी बेटर क्वालिटी का केस है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा आता है 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर। दोस्तों चार्जर का साइज देख के हमें नहीं लगता कि 18 वोल्ट का है, लेकिन दोस्तों 18 वोल्ट का ही चार्जिंग अडैप्टर है। दोस्तों उसके नीचे हमें माइक्रो यूएसबी डाटा केबल एंड ये में स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि प्री अप्लाइड यहाँ पर नहीं आता है, ये आपको अप्लाई खुद से ही या मार्केट से करवाना पड़ेगा। दोस्तों बॉक्स स्मार्टफोन के बैक की साइड आप लुक देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बैक से बिल्कुल ग्रेडियंट लुक देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों जो लुक है फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स ने काफ़ी बेटर यहाँ पर लुक अपने यूजर्स को दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बैक में क्वाड एलईडी फ्लैश एंड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों राइट साइड में हमें वॉल्यूम ब्रोकर्स एंड पावर बटन, जो दोस्तों पावर बटन में हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों हमें सिम ट्रे एंड दोस्तों नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं हेडफोन जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट जो कि दोस्तों माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, अच्छा रहता अगर यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट होता। एंड यहाँ पर दोस्तों हमें स्पीकर ग्रिल। दोस्तों फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले का साइज है 6.95 इंच का डिस्प्ले का साइज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों हमें यहाँ पर HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोस्तों हमें जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पर 68 का ही देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले स्मूथनेस है काफ़ी बेटर है। डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर दी गई है, जो डिस्प्ले के कलर्स है वो भी हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है XOS वर्जन 6.1.0 के साथ। एंड दोस्तों जो यूजर एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको काफ़ी अल्टीमेट यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी लैगिंग इश्यू देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेटर तरीके से ये स्मार्टफोन चल रहा है। एंड दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप से। यहाँ पर हमें मेन कैमरा 48 MP, 2 MP मैक्रो, 2 MP डेप्थ, हमें 2 MP हमें अलग से डेडिकेटेड वीडियो के लिए कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों 16 MP का हमें यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे कैमरा फीचर्स, जैसे कि आपते हैं शॉर्ट वीडियो, वीडियो ए कैम, ब्यूटी, बोके, सुपर नाइट। एंड दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वीडियो की तो यहाँ पर आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको बैक में क्वाड LED प्लस, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रात को अगर वीडियो शूटिंग करते तो यहाँ पर आपको काफ़ी अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस होने वाला है वीडियो शूटिंग का। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड में दोस्तों यहाँ पर आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैमरा का एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर होने वाला है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैमरा शॉट्स लिए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने फ्रंट कैमरा के साथ फोटो कैप्चर किया है, जो यहाँ पर आपको क्लियरिटी है ओवरऑल दोस्तों जो क्लियरिटी यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों ये मैक्रो लेंस, फिर आता है दोस्तों हमारा 5x जूम के साथ मैंने फोटो कैप्चर की है और दोस्तों आपको जल्दी कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा वीवो Y20 एंड ओप्पो A53 के साथ। तो जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये जो मैंने फोटो है यहाँ पर मैंने मेन कैमरा के साथ फोटो कैप्चर की है। दोस्तों जो ओवरऑल जो कैमरा है वो हमें यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कैमरा में कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों बात आती है परफॉर्मेंस की, दोस्तों परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पर काफ़ी अल्टीमेट देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स ने काफ़ी बेटर यहाँ पर प्रोसेसर दिया अपने यूजर्स को। यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा 2 GHz क्लॉक स्पीड पर वर्क करता है। यहाँ पर जो हमें 12 nm का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो यहाँ पर आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी अल्टीमेट होने वाला है, जो दोस्तों G70 प्रोसेसर है ये पहले ही हमें Realme एंड Xiaomi के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि आपको Realme C3 में भी आपको G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 464, जिसकी प्राइसिंग है 1149, लगभग 11,500 रुपये। एंड दोस्तों जो बैटरी एंड चार्जिंग है वो भी हमें अब की बार इस स्मार्टफोन में काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम इस स्मार्टफोन को अगर कंपेयर करते हैं वीवो एंड ओप्पो के स्मार्टफोन से तो हमें यहाँ पर काफ़ी बेटर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पर कंपेरिजन वीडियो शूट कर लिए दोनों ही स्मार्टफोन के साथ और आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में इन्फिनिक्स ने फर्स्ट टाइम काफ़ी बेटर स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किया है। नो डाउट दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं और दोस्तों मैंने स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट फर्स्ट सेल में परचेज किया था और आपको कोई भी फ्लैश सेल वाला इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 30 से 40 मिनट्स इसकी जो सेल यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर चली थी और उसी दौरान मैंने स्मार्टफोन परचेज किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।